आज मसाला किचन में लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो हर घर में इस त्यौहार पे बन सकती है। अक्सर हम त्यौहार के टाइम बहुत सारी मिठाई बनाना चाहते हैं, लेकिन होता ये त्यौहार के टाइम मावा सही बिल्कुल भी नहीं मिलता। मावा नकली हो, उससे बनाए, बीमार हो, इससे तो अच्छा है आज आप गुलाब जामुन सूजी से बनाइए। और इस खास ट्रिक्स को फॉलो करेंगे ना, सूजी के गुलाब जामुन बहुत परफेक्ट बनेंगे। और इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, इसे मैं छोटे क्यों बना रही हूँ। यकीन मानिए, इस तरीके से बनाएंगे तो ये गुलाब जामुन सुपर सॉफ्ट तो बनेंगे, लेकिन क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा बनेगी। एक कप सूजी ली है जिसका नाप है 150 ग्राम, और इससे मैंने 101 गुलाब जामुन बनाए हैं। कोई मावा यूज़ नहीं किया, कोई मैंने मिल्क पाउडर यूज़ नहीं किया है, और इसे टूथपिक से खाने का जो मजा आएगा बहुत ही अमेजिंग रहेगा। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। अब सबसे पहले पहली ट्रिक आपकी यही रहेगी कि इस गुलाब जामुन को बनाने के लिए आपको हलवे वाली बारीक वाली महीन सूजी लेनी है। ये हमें अगर नापते हैं तो 150 ग्राम है, और अगर कप देखेंगे तो एक कप पूरा भर के या एक कटोरी भर के ले लीजिए। अक्सर हम कोई भी ढोकले या इडली बनाते हैं या जो भी बनाते हैं तो हम यही कहते हैं कि इस सूजी को आप ग्राइंड कर लीजिए, लेकिन ग्राइंड करने में उतनी महीन नहीं हो पाएगी जितनी कि मुझे गुलाब जामुन के लिए महीन सूजी चाहिए। ये देखिए पूरा एक कप है, कोई भी एक कटोरी से नाप लीजिए। अब इस सूजी का कच्चापन न रहे इसके लिए आप एक पैन में इसे 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर भूनते रहिए। ये दूसरी ट्रिक है जिससे इस गुलाब जामुन में बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये सूजी के आपने गुलाब जामुन बनाए। जो रॉ फ्लेवर है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ देखिए 5 मिनट हो गए हैं, मैंने इस सूजी को कलर चेंज नहीं होने दिया, स्लो गैस पर मैंने इस तरीके से भूना कि उसका कच्चापन खत्म हो गया। अब यहाँ पर आपके पास तीसरी ट्रिक है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, जिससे सूजी में गुठलियाँ भी नहीं होगी, सूजी नीचे चिपकेगी भी नहीं। आप जिस कढ़ाई में बना रहे हो उस कढ़ाई को मोटा भी रखिए और चारों तरफ 1 चम्मच घी लगा दीजिए। अब उस घी में आप 2 कप डाल दीजिए दूध। दूध कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में आता है, चाहे वो कच्चा हो, पहले से पका हो, जो भी हो। जितनी हमारे पास सूजी थी, जिस कटोरी से मैंने सूजी नापी थी उसी कटोरी का आप 2 पार्ट दूध डाल दीजिए, 2 कटोरी दूध। दूध डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है, क्योंकि केसर कई बार हमारे घर में नहीं होती है लेकिन इलायची हमेशा होती है। इलायची डालने से इसका सूजी का फ्लेवर बिल्कुल नहीं आएगा। आप देखेंगे यहाँ पर कैसे बढ़िया सूजी का मावा बन गया है। अब इस दूध को हल्का सा उबाला आना शुरू हुआ है, गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें और धीरे धीरे सारी सूजी डाल दीजिए। ये खास ट्रिक है जिससे आपकी सूजी में बिल्कुल भी लम्स नहीं आएंगे। लम्स नहीं आएंगे तभी ये गुलाब जामुन अंदर से बिना गुठली के गुलाब जामुन बनेंगे। ये देखिए अब गैस स्लो ही है, मैं इसे इस तरीके से सुखा रही हूँ। करीब करीब 2 से 3 मिनट लगे हैं, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके का मावा बन गया, इसमें एक भी गुठान नहीं है। आपने देखा सूजी का मावा इस तरीके से परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया, क्योंकि हमने जो दूध रखा था उसमें हल्का सा जब उबाल आना शुरू हो तब आप धीरे धीरे सूजी को डालकर उसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए जिससे इसमें कोई भी लम्स ना आए। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक परात में। जब तक सूजी ठंडी हो तब तक चाशनी बना लेते हैं। अब यहाँ पर है एक और ट्रिक। आपको इस सूजी के गुलाब जामुन के लिए, 101 गुलाब जामुन जो बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको बड़ी सी कढ़ाई में चीनी की चाशनी बनानी है। यहाँ मैंने 350 ग्राम करीब चीनी ली है। आगे मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने बाद में भी चाशनी डाली थी वो कितनी चीनी की बनाई थी। 350 ग्राम चीनी ली है, पूरा एक बड़ा कटोरा भर के, उतना ही भर के मैंने पानी डाल दिया है। दोनों को एक ही मात्रा में लेना है और इसे हमें चाशनी बनानी है। यहाँ भी मैंने अच्छे से इलायची पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून। केसर की पत्तियों को भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आपके पास केसर की पत्तियाँ नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलायची से ही बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है।
आपने सूजी के कई गुलाब जामुन पहले बना के देखे होंगे, लेकिन कुछ खास ट्रिक्स की वजह से ये गुलाब जामुन बहुत ही अमेजिंग बनेंगे। अब धीरे धीरे चाशनी जब तक पक रही है, हमें बहुत तार वाली तो नहीं चाहिए, बस चिपचिपी गुलाब जामुन की चाशनी चाहिए। लेकिन तब तक मैंने इस परात में जो सूजी निकाल के रखी है उसे पूरा ठंडा नहीं होने देना है, हथेली से इसे मुझे मैश करना है। मैश करते टाइम हथेली में अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी गुठली है, हल्की सी भी, उसे आप निकाल दीजिए। यहाँ एक टेबल स्पून भर के आप इसमें घी डाल दीजिए। और हाँ, मैंने इसमें मिल्क पाउडर भी यूज नहीं किया है। अगर आपको चिपचिपा फील हो तो एक आध टेबल स्पून मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। आप यकीन मानेंगे, अगर इसमें सोडा या बेकिंग पाउडर डाल देंगे तो वो बिल्कुल बिखर जाएंगे। मुझे इसे अच्छे से मैश करना है जिससे हमारे गुलाब जामुन बहुत ही सुपर सॉफ्ट बने। ये देखिए, बिल्कुल डो ऐसा हो गया है, बहुत ही बढ़िया। जब तक हमने डो को सॉफ्ट बना लिया है मैश करके, तब तक हमारी चाशनी भी पक गई है। अब हम इसे देख लेते हैं कि चिपचिपी है, बस हमें गैस को बंद कर देना है। अब चलते हैं इस गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए। आप चाहें तो इसे घी में बनाएं या रिफाइंड ऑयल में बनाएं। यहाँ आपको छोटा सा चम्मच लेना है, जैसे 1/4 टीस्पून वाला जो चम्मच होता है, बस वो चम्मच लेना है और उसी से नाप के आप लेते जाइए और गुलाब जामुन को हथेली पर इस तरीके से गोल गोल करते जाइए। यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है कि इस गुलाब जामुन का आटा इतना बढ़िया है, एक तो गोल बैठ रहा है, कभी भी फ्लैट नहीं हो रहा, मतलब वो परफेक्ट पका हुआ है, ज़्यादा गीला नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि बिल्कुल इसमें भी कोई क्रैक्स नहीं है। तो ये दो जब चीज़ें आपके साथ भी हों तो बस आपके गुलाब जामुन परफेक्ट बनेंगे। आप मेरी चमची देखिए, बहुत छोटी सी चमची है जिससे मैं नाप नाप के गोल बनाती जा रही हूँ। ये देखिए मैं कितना सा मिश्रण ले रही हूँ, क्योंकि ये चाशनी में जाकर फूल जाएंगे। बनाते टाइम आपको कोई भी एक आध गुठली दिखे तो उसे आप बिल्कुल हटा दीजिए। ये देखिए छोटा सा पार्ट है जो बिल्कुल मैश नहीं हो रहा, उसे आप बिल्कुल हटा दीजिए। यहाँ पर एक और ट्रिक है, अक्सर जो हम गुलाब जामुन बनाते हैं उसके लिए बहुत धीमी गैस रखते हैं, क्योंकि वो गुलाब जामुन मावे के या पनीर के या मिल्क पाउडर के होते हैं, लेकिन क्योंकि ये सूजी के हैं तो आपको इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और ऑयल का भी जो टेम्परेचर वो मीडियम हो, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, बहुत ज़्यादा लो नहीं, और उसे थोड़ा पकने के बाद, कुछ सेकेंडों के बाद ही आप इसे चलाना शुरू कीजिए। ये देखिए गुलाब जामुन किस तरीके से फ्राई हो रहे हैं ना, बिना किसी टेंशन के, ना तो चिपक रहे हैं ना ही कोई प्रॉब्लम आ रही है। और करीब करीब 20-20 छोटे छोटे गुलाब जामुन आप डाल सकते हैं एक साथ, जैसा आपको कलर चाहिए। आपको डार्क कलर चाहिए ज़्यादा तो आप डार्क भी कर सकते हैं, आपको नॉर्मल कलर चाहिए तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और ट्रिक है कि गुलाब जामुन बनाने के लिए, क्योंकि ये सूजी के गुलाब जामुन है, तो हमें चाशनी को थोड़ी देर स्लो गैस पे गरम करना है और जैसे ही आपके पक जाएं आप इसे चाशनी में डालते जाइए। जब चाशनी अच्छी गरम हो जाए तो आप गैस बंद कर सकते हैं। ना तो इसके अंदर कोई गुठली होगी, बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन बनेगा। जो खाएगा आपको यही कहेगा कि ये मावे के नहीं है, तो फिर कैसे बनाए आपने ये गुलाब जामुन। जो गुलाब जामुन हम बाद में डालेंगे वो क्या होगा, ऊपर से तैरेंगे और जो नीचे हम पहले डाल चुके हैं वो भारी होके, मतलब चाशनी को पीने के बाद, बड़ी साइज में भी हो जाते हैं और नीचे बैठने लगते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि बड़ी कढ़ाई लीजिए। यहाँ देखिए मैंने बड़ी कढ़ाई ली है ना, आप देख रहे हैं 25 से 30 30 गुलाब जामुन एक साथ हम फ्राई कर रहे हैं और जो आपको शक्ल में दिख ही रहे हैं, जो पहले से हमने रसे में डाल चुके हैं, वो मोटे भी होते जा रहे हैं और सॉफ्ट भी होते जा रहे हैं। आपने देखा 30 30 35 35 गुलाब जामुन एक साथ फ्राई हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए, मैं आपको यही बता रही थी कि चाशनी मुझे बाद में बनानी पड़ी। मैंने एक कटोरी छोटी और ली चाशनी के लिए और उसके बाद उसकी चाशनी बनाई, क्योंकि गुलाब जामुन बहुत सारे थे और चाशनी थोड़ी कम लग रही थी। तो आप अगर बनाना चाहें इसी तरीके से तो टोटल आप 500 ग्राम चीनी ले लीजिए और 500 ml पानी ले लीजिए और अब इस गुलाब जामुन को इस तरीके से टूथपिक्स के साथ सर्व कीजिए, क्योंकि रंगों की होली में जब बच्चे खाना पसंद करते हैं या बड़े, तो उनके हाथ जब गुलाल में खराब होते हैं तो इस तरीके से आप खा सकेंगे। आप हाथ लगा के देखिए कितने सुपर सॉफ्ट हैं और अंदर से भी बहुत ही बढ़िया रसीले हैं।
तो हमें यही रिजल्ट चाहिए होता है गुलाब जामुन के लिए। तो आज त्योहारों के टाइम आप मावे का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, नकली मावे से सावधान रहिए और घर में सूजी से इस तरीके से मावा बनाकर गुलाब जामुन बनाइए। गुलाब जामुन कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहें तो इन गुलाब जामुन के अंदर कुछ चिरौंजी या किशमिश भी डाल सकते हैं, पर क्योंकि इस गुलाब जामुन के अंदर बिल्कुल गठान नहीं होगी इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाला है। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें।